आतंकी हाफिज सईद का गेम ओवर हो गया है? क्या उसे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ खबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद से संबंधित कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को खाने में जहर दिया गया है। हाफिज सईद फरवरी 2020 से पाकिस्तान की जेल में बंद है और 78 साल की सजा काट रहा है। जहर देने का आरोप किसी अज्ञात पर है। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद उसे उल्टियां शुरू हो गई। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज ICU में चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से ट्रेंड कर रही है। चलिए वीडियो में जानते हैं कौन है हाफिज सईद। हाफिज सईद भारत में हुए कई हमलों का जिम्मेदार है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का प्रमुख है। जम्मू कश्मीर में हुए कई हमलों का जिम्मेदार है। मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। 26/11 हमले में भारत ने करीब 160 लोगों को खोया था। पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। भारत ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कहा था कि वो भारत के मुजरिम यानी हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दें। हाफिज सईद भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हुए आतंकी हमलों में शामिल पाया गया है। कई देशों ने उस पर बैन लगा रखा है। हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है। वो 12 फरवरी 2020 से जेल में बंद है। पाकिस्तानी कोर्ट ने उसे 78 साल की सजा सुनाई थी। टेरर फंडिंग के 7 मामलों में दोषी पाया गया था। भारत की जांच एजेंसियां भी उसे तलाश रही हैं। UN ने भी उसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने उस पर बैन लगा रखा है। बता दें कि हाफिज सईद का संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक है। बताया जाता है कि इस संगठन की शुरुआत साल 1987 में 3 लोगों ने मिलकर की थी। सईद एक पंजाबी परिवार से आता है। 1947 में भारत विभाजन के बाद पंजाब में हुई सांप्रदायिक लड़ाई में उसने अपने कई सदस्यों को खो दिया था। सईद ने 1980 के दशक में अपनी औपचारिक इस्लामिक शिक्षा के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान वो एक उग्र वक्ता बन गया, जो भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में अपने उग्र विचारों के लिए जाना जाता है। फिलहाल पाकिस्तान ने अभी तक हाफिज सईद को जहर देने के मामले में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।